जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज का ये वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो का दोस्तों टॉपिक है वो ये होने वाला है कि एनपीए में आपका अगर अकाउंट चला गया है या फिर एनपीए क्या होता है और इसमें अकाउंट जाने के बाद क्या आपको पेमेंट करना चाहिए या फिर पेमेंट नहीं करना चाहिए, सभी की सभी दोस्तों डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, लोन से रिलेटेड सभी की सभी जानकारी दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और खास करके एनपीए से रिलेटेड कि एनपीए आखिर क्या होता है, लोन डिफॉल्ट करने पर या बैंक की भाषा में एनपीए को क्या कहा जाता है, कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो अभी लोन अकाउंट एनपीए में गया है या फिर नहीं गया है, या फिर आपके मन में सवाल है अगर अकाउंट एनपीए में चला गया तो फिर आगे हम लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इनका पेमेंट कर सके या फिर एनपीए से अपने अकाउंट को हटा सके, तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है लोगों का या फिर जो सबसे पहली चीज आप लोगों को समझनी है वो क्या है, वो ध्यान से आप लोग सुनते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज जो आप लोगों को जानना है एकदम इंपॉर्टेंट है वो है कि एनपीए आखिर क्या होता है और आखिर ये कब होता है। तो अगर आपने लोन लिया है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने अगर लोन लिया है 1 लाख का, मैंने लोन लिया ठीक है, और इस लोन का रिपेमेंट मैं टाइमली नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे 3 महीने हो गए और 3 महीनों से मैंने इसका पेमेंट नहीं किया, तो ये जो मेरा 3 महीने का ईएमआई है जब मैं पे नहीं करूंगा तब उसके बाद बैंक या फिर एनबीएफसी, ध्यान से समझिएगा, बैंक या एनबीएफसी मेरा अकाउंट एनपीए में डाल सकती है। जरूरी नहीं है कि 3 महीने के बाद डाले, किसी किसी का 6 महीने के बाद, किसी का साल भर बाद, लेकिन अकाउंट एनपीए में जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि गूगल से सर्च करके ए नॉन परफॉर्मिंग लोन इज अ बैंक लोन डेट इज सब्जेक्ट टू लेट रिपेमेंट। लेट रिपेमेंट का ही मतलब है दोस्तों कि जब आप लेट रिपेमेंट करते हैं तभी आपका अकाउंट एनपीए में जाता है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स रिप्रेजेंट अ मेजर चैलेंज फॉर द बैंकिंग सेक्टर एज दे रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इससे बैंकिंग का प्रॉफिट कम होता है। आखिर कैसे बैंकिंग का प्रॉफिट कम होता है इसके बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिए कि जब आप लोग, या मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरा 1 लाख का लोन है जो अभी तक ड्यू है, तो मैं जब 1 लाख का जो लोन है वो ड्यू रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट या टाइमली पेमेंट नहीं करूंगा तो उस पैसे से बैंक को कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। जब उस पैसे से बैंक को कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा तो वो लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट में मेरा अकाउंट डाल देंगे। इसका ये मतलब है कि अब मेरे पैसों से उनको किसी भी तरीके से कोई भी फायदा दोस्तों नहीं पहुंच रहा, इसीलिए मेरा अकाउंट उन्होंने एनपीए में डाल दिया। अब आप लोगों को इतनी ही बात समझ में आ गई होगी कि आखिर अकाउंट एनपीए में कब जाता है और कैसे जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एनपीए में अगर आपका अकाउंट चला गया, ध्यान से समझिएगा, तो उसको आप वापस से हटा कैसे सकते हैं, यानी एनपीए से पीए में कैसे लेकर आ सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरा इन तक जरूर से जरूर देखते रहिए। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एनपीए से बताऊंगा तो आप पीए में स्किप करके कहीं मत जाइए अकाउंट कैसे डाले, जरूर से जरूर देखते रहिए। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि एनपीए से पीए में अकाउंट कैसे डाला जाए, यानी कि रेगुलर अकाउंट वापस से आप कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कर्जधारक लगातार 3 महीने तक बैंक की किस्त नहीं चुका पाता है तो उस कर्जधारक के लोन को एनपीए घोषित कर जाता है। इससे कर्जधारकों की सिविल रेटिंग खराब हो जाती है, कर्ज लेने के लिए सिविल रेटिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी एनपीए में अकाउंट डालने के बाद जो आपका सिविल है उस पर इफेक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर भी तेजी से घटता है। तो अगर आप दोबारा से एनपीए का जो अकाउंट है उसको रेगुलर अकाउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऐसे स्टेप्स है जो आप लेंगे और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो दोबारा से रेगुलर अकाउंट हो जाएगा। देखिए ये बात तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अगर आपका अकाउंट भी एनपीए में चला गया है तो फिर अगर उसके बाद आप उसकी ईएमआई भी जमा करेंगे तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। तो ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि एनपीए में अकाउंट जाने के बाद आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी है। कब तक पे नहीं करनी है? जब तक आपका अकाउंट दोबारा रेगुलर अकाउंट ना बन जाए। अब दोबारा
रेगुलर अकाउंट बनने के लिए क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, कैसे ऐसा होगा, तो ध्यान से देखिए कि एनपीए में जाने से आप अपना अकाउंट रोक भी सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप बैंक को मिनिमम ड्यूज पे करते रहें या फिर बैंक को बता दें कि आप अपना पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो बैंक वाले आपका अकाउंट फिर एनपीए में नहीं डालेंगे। ये एक स्टेप है जिससे आपका अकाउंट एनपीए में जाने से बच सकता है। अब दूसरी बात हम लोग ये करते हैं कि अगर एनपीए में अकाउंट चला गया फॉर एग्जांपल, तो वापस से आप उसको पीए में कैसे लाएंगे या फिर वापस से पीए में लाने के लिए क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर आपने किसी भी बैंक से या जिस बैंक से लोन लिया है उसके ब्रांच में आपको जाना होगा, वहां जाकर आपको कंसल्ट करना होगा, कंसल्ट करके आपको बताना होगा कि किस कारण से आप उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब आप उनका पेमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे बैंक का जो मैनेजर है या बैंक के जो स्टाफ है वही आपको अकाउंट एनपीए से दोबारा रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या दोबारा परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप उनका पेमेंट करके या तो लोन क्लोज करना चाहे तो लोन क्लोज कर लें या अगर आप लोग ईएमआई से पे करना चाहे तो ईएमआई के थ्रू पे करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका अकाउंट रेगुलर अकाउंट नहीं होता है तब तक आपको ईएमआई जमा नहीं करनी। एक बार जब आपका अकाउंट रेगुलर अकाउंट हो जाए तो फिर आप ईएमआई जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे चेक करते हैं कि हमारा अकाउंट एनपीए में गया है या फिर नहीं गया है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान सुनिए, आपको अपने सिबिल को चेक करना होगा। अगर आप अपना सिबिल चेक करेंगे किसी भी वेबसाइट से जाके, तो वहां पर आपको शो करेगा कि आपका अकाउंट अभी एनपीए में है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एनपीए को उल्टा किया जा सकता है, यदि वर्गीकरण के बाद किसी एनपीए वर्गीकृत खाते पर ब्याज लगाया जाता है तो इसे आय पहचान संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अनुसार उलट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी एनपीए खाते में कोई राशि का भुगतान किया जाता है तो खाते से अपयुक्त ब्याज की वसूली की जा सकती है, यानी कि एनपीए से वापस उसको उल्टा करके रेगुलर अकाउंट में दोस्तों कन्वर्ट करना बिल्कुल ही पॉसिबल है। अब सबसे बड़ा बात ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, क्या एनपीए के बाद केस हो सकता है, ये काफी लोगों का क्वेश्चन है और मैं यहां पर पहले सर्च भी करूंगा और उसके बाद आपको प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा कि आखिर लोग जो मुझे बार बार पूछते हैं ये काफी लोगों एनपीए से क्या केस होता है करूंगा और उसके बाद आपको प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा कि आखिर लोग जो मुझे बार बार पूछते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर किसी नहीं चुकाया जाती तो उस लोन को अन्य वित्तीय संस्थाओं के मामले में या बीस बैंक उसे फंसा हुआ कर्ज मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दोस्तों ऐसा नहीं आया कि जिसमें लिखा हो कि आपके ऊपर दोस्तों केस किया जाएगा एनपीए में होने के बाद। और यहाँ पर क्यों नहीं किया जाता केस, इसके बड़ा सबसे कारण क्या है और आखिर फिर बैंक अपनी रिकवरी कैसे करती है, वो भी मैं आपको डिस्कस करके डिटेल इस वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपका भी अकाउंट दोस्तों अभी फिलहाल एनपीए में है और अब आपको लग रहा है कि बैंक आपसे वसूली नहीं करेगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक आपसे वसूली के लिए रिकवरी एजेंट्स को भेज सकती है, लगातार लीगल नोटिस आपको सेंड कर सकती है, या फिर अगर आपने चेक बुक दिया है तो चेक को बाउंस भी करा सकती है। ऐसा कुछ कर सकती है कब, जब आपने जानबूझ के उनका पैसा जमा नहीं किया तब। यानी अगर आप लोग भी जानबूझ के उनका पैसा जमा नहीं कर रहे हैं तो फिर दोस्तों ये काफी गलत हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे इंटेंस कंडीशन है, यानी आपके पास जॉब नहीं है या फिर ऐसी कोई अदर कंडीशन बन गई है जिस वजह से आप उनका पेमेंट करना तो चाह रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी पैसे नहीं है फिलहाल में, उपयुक्त पैसे न होने की वजह से अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर फिर किसी तरीके से कोई भी दोस्तों केस वगैरह रजिस्टर नहीं किया जाएगा और ना ही आपके ऊपर दोस्तों कोई भी केस होगा। तो ये सारी जानकारी हमारे माध्यम से ही दोस्तों आपको मिलती रहेगी, तो इसीलिए हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर एनपीए से सिविल स्कोर खराब होगा तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों, एनपीए से अगर सिविल स्कोर आपका खराब होता है तो फिर आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। यहाँ पर मैं एनबीएफसी और बैंक दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है तो वहां पर आपको कंपनी को मेल करना होगा कि आपके अकाउंट को दोबारा से रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए, या फिर कंपनी के ऑफिशियल्स को कॉल करना होगा, क्योंकि वहां का ब्रांच बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। एनबीएफसी का जो ब्रांच होती है वो दो या तीन जगह, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर या फिर चंडीगढ़ साइड में दो या तीन जगह ही देखने के लिए मिलती है, हर सिटीज में इनकी ब्रांच नहीं होती। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, क्रेडिट बी का, किश्त का, एम पॉकेट का, नावी का, मनी व्यू का, रूफिलो का और ऐसी अदर बहुत सारी एनबीएफसी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अभी तक उपलब्ध है, और आगे चल के इनके साथ क्या होगा उस पर तो मैं वीडियो जरूर से जरूर लेकर आऊंगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी तरीके से आपको अगर लोन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या आप कहीं पर फंस जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए
या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारा चैनल है लोन हेल्प इंडिया, इसके जरिए आप लोग लोन से रिलेटेड सभी समस्याओं का हल काफी जल्द से जल्द पा सकते हैं और यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स के साथ वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।